तो आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना पर्स से भी अपना जो पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं हर जगह पे। एक EPS है आधार पेमेंट, उसके द्वारा फिंगरप्रिंट लगा के भी आप अपना पेमेंट दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम सिक्योरिटी के साथ। और बताने से पहले आप ये जरूर कीजिएगा, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि EPS सर्विस होता क्या है, ये आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ये EPS सर्विस सिक्योर है, सिक्योरिटी है, क्या हम इसको सही से सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसको कैसे पे करना पड़ेगा, और यदि आपको EPS सर्विस चाहिए तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये आप सब कुछ पूरी इस वीडियो में बताऊँगा और ये वीडियो जरूर देखते रहिएगा। पहले आपको बता दूँ EPS का जो फुल फॉर्म है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, इसको आप कैशलेस द्वारा पेमेंट मोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो EPS एक प्रोडक्ट है जो कि NCPI के अंदर आता है, NPCI जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जो कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा यूज़ किया जाता है इसको कैश पेमेंट के लिए, सेटलमेंट के लिए, जो कंपनी RBI द्वारा पूरा ध्यान रखती है कि जो पेमेंट है जो सेटलमेंट हो सके। एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जिसमें जब कभी भी आप अपना कार्ड भूल जाते हैं, फ़ोन भूल जाते हैं, अपना आधार कार्ड द्वारा पेमेंट मोड द्वारा ये पे कर सकते हैं। ये आपको हर जगह आपको मिलेगा, आजकल सभी शॉपिंग मॉल में, सभी डिजिटल में इसका उपयोग किया जा रहा है। ओके गाइस, और मैं आपको बताना चाहूँगा और दोस्तों, आपको जो EPS की सर्विस लेना चाहते हैं या आप कैसे लेना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको किसी एक की सर्विस यूज़ करनी होगी किसी कंपनी की, जैसे कि आप RNFI, Nearpay, अपना बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जल्दी कैश हो गया, इनकी जो सर्विस पहले यूज़ करनी होगी। जब कौन सी आप सर्विस आप ले सकते हैं, आपको कौन सी ID कैसे बनानी है, इसका जो पिछला जो मेरे वीडियो है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ये उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दूंगा, आपको वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए कि RNFI है उसकी जो ID मुझे कैसे लेनी होगी, और वही आपको वीडियो आपको बताएगी मनी ट्रांसफ़र के बारे में कि आपको मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है। ठीक है, उसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा या लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर चेक कर लीजिएगा, लिंक पर क्लिक करके कैसे कैसे प्रोसेस होगा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लेना, पहले आपको सर्विस लेनी होगी, सर्विस एक्टिव ID एक्टिवेट करवाने के बाद आपको इसके लिए आपको एक EKYC की जरूरत होगी, EKYC करवानी पड़ेगी। EKYC आपको पता ही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, फिंगरप्रिंट द्वारा आपको EKYC करानी होगी। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट देना होगा, बैंक अकाउंट अपना आधार कार्ड के साथ इनेबल होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, इसमें जाके आपके जो स्टेट अमाउंट जो सेटलमेंट होगा इसमें कोई दिक्कत ना आ सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जरूरत क्या क्या होगी, आपको यदि आप EPS सर्विस लेंगे उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको पहले आपको एक बायोमेट्रिक मशीन लेना होगा, बायोमेट्रिक मशीन द्वारा आप फिंगरप्रिंट द्वारा पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बायोमेट्रिक मशीन होती क्या है। दोस्तों ये देखिए, बायोमेट्रिक मशीन होती है इस फिंगरप्रिंट द्वारा, इसको हमें कंप्यूटर पर कनेक्ट करना होगा इस तार को, जैसे कनेक्ट करेंगे इसकी हमारा इनेबल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिंगरप्रिंट लगा के इसको आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं कस्टमर का। आपको सिर्फ कस्टमर का आधार कार्ड नंबर लेना है, आधार कार्ड नंबर लेने के बाद आपको फिंगरप्रिंट लगाना होगा, और कोई भी ना कस्टमर के पास कोई OTP आएगा, ये फिंगरप्रिंट जो हमने UID द्वारा अपने आधार कार्ड बनाया था, जब हम हमारे पेमेंट फिंगरप्रिंट लिए गए थे
वही फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगेगी, किसी हद तक हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके गाइस, और आपको बताना पाऊंगा कि आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, बैंक अकाउंट देना होगा जिसका अपना आधार कार्ड के साथ लिंक हो। ओके गाइस, और अब मैं बताऊंगा कि जब आप पेमेंट सीख करेंगे उसमें बिल्कुल ट्रांजेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ होगी। जब आप किसी कस्टमर का पेमेंट लेंगे तो आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कटेगी, कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। इनकेस हो सकता है कि यदि आप सिस्टम में आपके पास कस्टमर की तरफ से पैसा रिसीव हो जाता है और अपने अकाउंट में सेटलमेंट करेंगे, कई कंपनियां उसमें कुछ चार्जेस लेते हैं सेटलमेंट करते वक्त, कुछ कंपनियां बैंक द्वारा सेटलमेंट चार्जेस नहीं लेते, एक को कुछ बैंक में होगा वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके गाइस, और मैं आपको बता देता हूँ कि APS द्वारा आपको सर्विस कौन कौन सी मिल सकती है। APS द्वारा कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा चीज़ CCTV मिनी स्टेटमेंट, और कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, इसलिए आप चार्जेस ले सकते हैं कस्टमर से। आप कस्टमर से कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, वो आधार टू आधार पेमेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है जिसके लिए आपको आगे जाके आने वाले डिजिटल जो इंडिया है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेगी, ये अभी यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अब हमारा साथ दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ APS सर्विस, हम APS सर्विस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप पे कर सकते हैं। देखो यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल इजी ट्रिक है, कहीं भी हम शॉपिंग में जाते हैं किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉपिंग हॉल में, वहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद अब जब हम बिल सेंटर में जाते हैं बिल पेमेंट करने के लिए, हमको ध्यान आता है कि हम अपना पर्स लाना भूल चुके हैं और मेरे फ़ोन में भी कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, या मैं यूज़ मुझे नहीं करनी आती है जिससे मुझे पेमेंट मैं कर सकूँ, और हम अनफॉर्चुनेटली हम उसको वापस हमें रखने चले जाते हैं कि हम मजबूरी है, हमारा गेड़ा हुई लग, हम कसम यहाँ पर भी आए, हमने टाइम भी वेस्ट किया, उस शॉपिंग में किया, अपना पैसा पे सामान ले भी सके। अब इसके लिए आप बहुत बेहतरीन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जब आप शॉपिंग करके आएंगे, अब पेमेंट मेथड पे जाएंगे, पेमेंट मोड पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप कैशलेस मोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि APS फिंगरप्रिंट पेमेंट द्वारा, हम उस कस्टमर को कहेंगे हम फिंगरप्रिंट पेमेंट द्वारा हम पे करा जाते हैं, वो आपको एक फिंगरप्रिंट मशीन देगा जो मैंने पहले अभी आपको बताई थी, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिखाएगा, ये आपको फिंगर ATM मशीन देगा, बायो ATM मशीन देगा जिसमें आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड देने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा, सिर्फ आपको आधार कार्ड नंबर देने के बाद वो आपको फिंगरप्रिंट लगाने के लिए कहेगा। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे आपके पास पेमेंट आपके अकाउंट से उनके सिस्टम में चला जाएगा और आपको मैसेज आएगा बैंक की तरफ से कि आपका पेमेंट कट चुका है और आधार कार्ड सर्विस द्वारा जो UAIDAI जो सर्विस है उसके द्वारा भी आपको मैसेज आएगा कि आपका आधार कार्ड पेमेंट इनेबल हो यूज़ किया जा चुका है, आपने जो भी यदि आपने मेल आईडी दी है तो। इसके लिए आप कभी भी आप ऐसा कुछ फॉर्म आती है तो अपना सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर याद रखें, आधार कार्ड नंबर याद रखने के बाद आपको सिर्फ वो देना और अपना फिंगरप्रिंट लगाना खुद जो आपने आधार कार्ड बनाते वक्त लगाया था। ओके गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसमें आप कैशलेस इंडिया इनिशिएटिव द्वारा आप पेमेंट मोड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस सिक्योरिटी के बारे में, क्या ये सेफ है, क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। ओके गाइस, ये मेन क्वेश्चन होगा सभी का, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत से टेक्निक आ रहे हैं कंपनी में, जिसकी वजह से हमें बहुत इजी हो रहे हैं, बट जब जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने आसान तरीकों लाइफ के लिए कर रहे हैं बट इसके साथ कोई नुकसान भी डेंजरस भी हमारे लिए आती है साथ में, या आपको पता होगा कोई भी हमारे लिए से कुछ टेक्नोलॉजी बनती है उसके साथ डेंजरस या कुछ खतरनाक चीज़ भी हमारे पास आते हैं कि हम इसको गलत इस्तेमाल हमारे साथ ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप APS यूज़ करते हैं इसके लिए ना आपके पास कोई OTP आएगा ना कि आपको कोई पिन यूज़ करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर देना है और अपना अंगूठे का फिंगरप्रिंट लगाना है। जब तक आप अपना अंगूठे का फिंगरप्रिंट
उस बायोमेट्रिक मशीन में नहीं दोगे तब तक आपका पेमेंट रिसीव नहीं होगा। यदि और रिसीव होने के बाद आपको मैसेज आएगा कि आप पेमेंट रिसीव हो चुका है, मेल भी आएगा डाक कलेक्टर द्वारा कि आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है। ओके गाइस, और दूसरा क्वेश्चन है आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि नो अदर कैन यूज दिस सर्विस, और कोई भी आपका आधार कोई भी अदर पर्सन आपका ये पेमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकता बिना फिंगरप्रिंट द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें से आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसमें से आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम आ सके। इसका यूज़ मैं ऑलरेडी करता हूँ, तो आपको मैं आपको सिक्योरिटी से बता रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको। चौथा क्वेश्चन है हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, ये आपको भी सोचना होगा, आपको भी देखना होगा कि काम कैसे करता है। ये जो काम करता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने आधार सेंटर गए होंगे अपना आधार कार्ड बनाने के लिए, हमें उनको अपना डिटेल दिया होगा, उनकी तरफ से हमारे पास उस टाइम पर हमारे पास आधार कार्ड आया होगा, आधार कार्ड जो नंबर। तो जब हम आधार कार्ड बनाने गए थे हमारे 10 फिंगर हमारे यूज़ हुए थे उस सेंटर में। तो होगा क्या, यदि आप कोई भी आप कैशलेस ईपीएस सर्विस आप यूज़ करते किसी भी जगह पे, अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। आधार कार्ड नंबर एक सिक्योर नंबर होता है जिसमें से आधार सेंटर के डेटा में सर्वर में कनेक्ट होता है। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे वो अपना फिंगरप्रिंट उस सर्विस में लगाएंगे, फिंगरप्रिंट क्या करेगा वो डिवाइस क्या करेगा, वो जो आधार सेंटर है उनका जो सर्वर है सर्वर के पास जाएगा, सर्वर पे चेक करेगा जो ये डेटा इन्फॉर्मेशन सही है, कसम मुझे अपना आधार कार्ड नंबर सही बता रहा है, फिंगरप्रिंट सही लगा हुआ, कोई दूसरे का यूज़ तो नहीं कर रहा। यदि आधार कार्ड सेंटर द्वारा वो वहाँ पे हमको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है ये इन्फॉर्मेशन सभी सही है, तभी आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होगा। यदि 1% भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सिक्योर सिस्टम है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि आप कोई थर्ड पर्सन आपका आधार कार्ड दे दे, आपका आधार कार्ड नंबर दे दे और फिंगरप्रिंट अपना लगा दे, ऐसा नहीं होगा। आधार कार्ड नंबर लेना सौखा है, आपका कोई फ्रेंड भी ले लेता है, हम आज के टाइम में किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, किसी पे भी नहीं लिखा होता कि वो क्या क्या कर सकेगा। आप वही यूज़ कर सकेगा जो ये नेबर सिस्टम कैशलेस सिस्टम जिसका आधार कार्ड होगा, जो जिसका फिंगरप्रिंट होगा जब हम उसने आधार कार्ड बनाते वक्त दिया होगा। अब ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, उसको मैं अपना कैशलेस भूल जाऊँ और अपना आधार कार्ड नंबर मेरे पास है, मैं उस पर जाऊँगा अपना आधार कार्ड नंबर दूँगा। आधार कार्ड नंबर देने के बाद वो मुझे कहेगा फिर फिंगरप्रिंट लगाओ, मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, यदि मेरा फिंगरप्रिंट मैच होता है तभी मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, अदरवाइज़ वो कहेगा कि आपका आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा। कई बार क्या था हमारा हाथ गंदी होता तो फिंगरप्रिंट तभी नहीं देता। आपको सिक्योर करना है, इंश्योर करना है कि आपका यदि आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं अपना हाथ आपका साफ हो। और एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसा तभी कटेगा यदि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से अटैच हुआ। यदि आप अपना कैशलेस द्वारा अपना आधार कार्ड बताएंगे देंगे उनको, और उनको अपना बताना होगा आपका बैंक कौन सा है, आप बताएंगे कि मेरा ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा PNB का बैंक है, ठीक है, इसमें मेरा बैलेंस पड़ा है, तो वो अपना PNB बैंक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे, और यदि उसमें बैलेंस हुआ यदि वो आधार कार्ड अटैच हुआ तभी आपका बैलेंस कट सकता है। और दोस्तों मैंने आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे पे करेंगे। अब ये थर्ड लास्ट चीज़ है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब यदि आप बायोमेट्रिक मशीन यूज़ लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।